सारंगपुर के संडावता मलकाना में बरसात का मौसम परेशानियों का सबब बन गया। भारी बरसात के चलते संडावता मलकाना के बीच में पड़ने वाला नाला उफान पर है। मार्ग पर पुलिया न होने की वजह से ग्रामीणों की जान जोखिम में पड़ गई है। जान जोखिम में डालकर छात्रों को ग्रामीणों को ये नाला पार करना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि कैसे उफनता नाला ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस बात की जानकारी कई बार प्रशासन को दी गई, लेकिन अभी तक इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसकी वजह से गांव के लोगों में आक्रोश है और ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो, पक्की सड़क बने। तो देख सकते हैं आप, एक तरफ मानसून का आगमन, किसानों के चेहरों पर खुशी, लेकिन वही किसान अब परेशान है क्योंकि इनके घरों के आसपास पड़ने वाले नदियां नाले उफान पर है। खबर है सारंगपुर से कैसे ये नाला उफान पर है और गांव के लोग मानव श्रृंखला बनाकर स्कूली बच्चों को नाला पार करवा रहे हैं ताकि बच्चे स्कूल जा सके। शिक्षा का महत्व ये ग्रामीण समझते हैं, लेकिन गांव वालों की मूलभूत सुविधाओं का महत्व सरकार कब समझेगी, सरकार कब जागेगी, प्रशासन कब जागेगा? हालात देख सकते हैं आपकी, कैसे बुजुर्ग लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनते नाले के बीचों बीच खड़े हैं। स्कूली बच्चों को ये नाला पार करवाया जा रहा है ताकि बच्चे अपना भविष्य सुधार सके और स्कूल जा सके, लेकिन बड़ा सवाल है कि इतने सालों से मानसून हर साल आता है, प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिया तक का निर्माण यहां पर नहीं किया गया। तूफान पर आते नाले के बीचों बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मानव श्रृंखला बनाकर इस नाले को पार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस नाले को पार कर रहे हैं। पवन पाटीदार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पवन पाटीदार जी, क्या अपडेट है आपके पास? उफनते हुए नाले के बीचों बीच ग्रामीण इस नाले को पार करते हैं, क्या मामला प्रशासन के संज्ञान में है? आज तक यहां पुलिया क्यों नहीं बनी? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा, सारंगपुर तहसील के गांव मलकाना का है पूरा मामला जी। यहाँ पर लोग अपनी जान को हथेली पे लेकर हुए निकलते इस नाले से जी, और छात्र छात्राएं भी बहुत परेशान होते रहते हैं जी। तो क्या ये मामला प्रशासन के संज्ञान में है? सरकार तक इन लोगों ने कभी गुहार लगाई? ग्रामीण अपनी समस्या लेकर कभी पहुंचे अपने विधायक के पास, एमपी के पास, एमएलए के पास? जी, ग्रामीणों ने कई बार आवेदन दिया है, पर उसके बाद अभी सब प्रशासन का ही जोर कोई ध्यान नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता पवन पाटीदार ने बताया कि ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन तक गए, अपने नेताओं तक गए, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इन ग्रामीणों को रोजमर्रा इस तरीके की दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। हर मानसून में नाले उफान पर आते हैं और लोगों को इन नालों को पार करने के लिए मानव श्रृंखला बनानी पड़ती है और फिर बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं।